ये मेरे पास सैमसंग का J210 है, इसके अंदर हाफ शॉर्ट है, आप देख सकते हैं इधर डायरेक्ट एम्पेयर ले रहा है इधर, और ऑन करने के बाद भी ऑन नहीं होता है ये, तो ये हाफ शॉर्ट है। हाफ शॉर्ट मतलब इसके अंदर सेकेंडरी लेन के अंदर शॉर्ट रहता है, इधर आप देख सकते हैं डायरेक्ट एम्पेयर ले रहा है ना, वो सेकेंडरी लेन है वो। अभी हम इसको चेक करके देखेंगे किधर शॉर्ट है बोल के, ये फुल शॉर्ट नहीं है, हाफ शॉर्ट है सेकेंडरी लेन के अंदर, इसके अंदर हाफ शॉर्ट रहता है। मैं आपको फिर से एक बार दिखा रहा हूँ, ये देखिए किसी ने इसके ऊपर जब भी ऑलरेडी काम किया है, लेकिन शायद उसको पता नहीं चला होगा ये प्रॉब्लम क्या है बोल के। ठीक है, अब ये देख सकते हैं इसका पूरा भी, पहले किसी ने इसके ऊपर पूरा भी काम किया है इसके ऊपर। तो हम इस सेकेंडरी लेन का हाफ शॉर्ट अभी फाइंड करेंगे किधर प्रॉब्लम है बोल के। तो हमारे को सबसे पहले मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे रखना है, और प्रोब को जो रेड वाला है उसको ग्राउंड करना है, और ब्लैक से चेक करना है। तो आपको एक साइड बीप आएगा और एक साइड रीडिंग आएगा, लेकिन मैंने मेरे मल्टीमीटर पे होल्ड पे रखा है, इसीलिए ना तो रीडिंग शो करेगा, सिर्फ बीप शो करेगा। ये जैसे कैपेसिटर के ऊपर शॉर्ट दिखाएगा तब उधर बीप शो करेगा, बस रीडिंग नहीं दिखाएगा। मैंने इसको होल्ड पर रखा है मल्टीमीटर को, आपको हर एक कैपेसिटर को चेक करना पड़ता है इसके अंदर। अगर दोनों साइड आपका बीप साउंड आ गया तो वो कैपेसिटर शॉर्ट है बोल के समझ लेना आप, लेकिन आपको हर एक कंपोनेंट, हर एक सेक्शन में भी आपको चेक करना पड़ता है इसको। इसको चेक करने के लिए बहुत टाइम लगेगा आप। अभी ये जो हमारा सीपीयू सेक्शन है ना, उधर चेक कर रहा हूँ मैं। उसके बाद आपको हर एक एक चीज़ को भी चेक करना पड़ता है इसके अंदर शॉर्टिंग के लिए। ये आपको शॉर्टिंग रोजिन रोजिन में पता नहीं चलता है, ये मल्टीमीटर से ही पता चलता है हाफ शॉर्टिंग वाला। तो आपको पेशेंस से चेक करना पड़ेगा ये। अभी नेटवर्क सेक्शन पे चेक कर रहा हूँ मैं। अभी ये जो पावर सेक्शन है, पावर सेक्शन पर भी चेक करना पड़ेगा, हर एक कैपेसिटर को भी चेक करना पड़ेगा उधर। तो आप देख सकते हैं इधर शॉर्ट दिखा रहा है पूरा भी, ये जो वाला कैपेसिटर है ना, दोनों को दोनों भी शॉर्ट दिखा रहा है इसके अंदर। तो आपको इसके सीरीज में और कुछ भी कैपेसिटर रहेगा ना, उसको भी चेक करना पड़ेगा आपको, कि कहते इसके सीरीज में जो भी कैपेसिटर रहेगा सभी सारे शॉर्ट दिखाएंगे, सभी में भी बीप करेंगे। तो आपको दूसरा वाला भी कैपेसिटर चेक करना पड़ेगा इसके अंदर।
ये वाला हमारा कैपेसिटर शॉर्ट है, अभी हम इसको रिमूव करके चेक करके देखेंगे। मैंने इसको निकाल दिया है, अभी आप इसको इधर मल्टीमीटर से चेक करना पड़ेगा। इधर मेरे मल्टीमीटर में तो मैंने होल्ड को रख दिया है, इसमें सिर्फ आपको रीडिंग नहीं दिखाएगा, सिर्फ एक साइड बीप करेगा बस। पहले टू साइड बीप कर रहा था, एक ही साइड ये बीप करेगा। अब देख सकते हैं ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट है। ये देखिए वही बोर्ड है, ये इसके अंदर मैंने इसका कैपेसिटर निकाला था, ये वाला कैपेसिटर। तो ये ब्लूटूथ और वाईफाई आईसी है, तो उसके पास एक कैपेसिटर शॉर्ट था। ये सेकेंडरी लाइन का कैपेसिटर है, जो पावर ऑन होने के बाद में जो सप्लाई जाती है ना, उसको सेकेंडरी लाइन बोलते हैं। उसी के अंदर उसी को ही ऑफ शॉर्ट भी बोलते हैं। अब देख सकते हैं वही बोर्ड है पूरा भी। अभी हम इसको ऑन करके चेक करके देखेंगे। अभी ये पहले तो डायरेक्ट एम्पियर ले रहा था, अभी हम अभी चेक करेंगे इसमें एम्पेयर ले रहा है या नहीं ले रहा है बोल के। ये देखो पावर सप्लाई को हम कनेक्ट करने के बाद में इधर कुछ भी एम्पेयर नहीं ले रहा है, तो अभी हम इसको ऑन करके देखेंगे। अब देख सकते हैं जब ये रीडिंग एम्पेयर लेना स्टार्ट कर दिया है, अब देखिए आ गया, हैंडसेट ऑन हो रहा है अभी। ये लेकिन सैमसंग का हर मॉडल भी पावर सप्लाई पे ऑन नहीं होता, उसको आप बैटरी लगा के ही ऑन कर सकते हैं। ये देखिए इंडिकेटर भी शो कर रहा है चार्जिंग का, अभी इसको ऑन करके चेक करेंगे। अब देख सकते हैं हैंडसेट ऑन हो रहा है अभी इधर। तो ज़रा मॉडल सैमसंग के पावर सप्लाई पे ऑन नहीं होते उसके अंदर, तो आपको बैटरी लगा के ही ऑन करना पड़ता है। इधर देखो बैटरी का जो चार्जिंग सिंबल भी दिखा रहा है और 1 एम्पियर भी ले रहा है चार्जिंग का 6वें नंबर पर। ये देखिए ऑन हो गया पूरी तरीके से हमारा हैंडसेट, जो है जो हाफ शॉट था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया।